नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ सितमरझा में। इस वीडियो में हम मिशन मैथमेटिक्स के तहत क्लास नाइन्थ का दिनांक 18 अक्टूबर 2024 का क्वेश्चन ऑफ द डे लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का सवाल है, निम्नलिखित को एकपद, द्विपद, त्रिपद, रैखिक द्विघात और त्रिघात के रूप में वर्गीकरण कीजिए, यानी बायनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, जो अकॉर्डिंग टू टर्म्स हैं। यहाँ पे बारी बारी से पॉलिनोमियल लिखेंगे और यहाँ पे घात के आधार पर वर्गीकरण, यानी अकॉर्डिंग टू डिग्री, और दूसरा पद के आधार पर करें, पद के आधार पर अकॉर्डिंग टू ये अकॉर्डिंग टू टर्म्स। तो पहला सवाल है ए स्क्वायर माइनस सेवन ए प्लस टेन, तो ये मैक्सिमम घात दो है तो ये कहलाएगा द्विघात, यानी क्वाड्रेटिक, और ये कहलाएगा पद इसमें तीन है तो त्रिपद, त्रिपदी, यानी ट्राइनोमियल। दूसरा है सेवन बी माइनस नाइन, तो यहाँ पे मैक्सिमम घात कुछ नहीं है तो वन है, तो ये हो जाएगा एक घात वाला को कहते हैं हम रैखिक, यानी लीनियर, और इसमें घात दो है मतलब पद दो है तो द्विपद, द्विपदी बाइनोमियल। अगला दिया हुआ है, तीसरा है पी स्क्वायर प्लस 54, तो इसमें घात दो है तो द्विघात, क्वाड्रेटिक, और इसमें यह कहलाएगा पद दो है तो ये द्विपदी। अगला चौथा दिया हुआ है आपको माइनस 23x, तो इसमें घात एक है तो ये रैखिक कहलाएगा, इसको लीनियर कहते हैं, और इसमें पद एक ही है तो एक पदी, मोनोमियल इसको कहते हैं। अगला दिया हुआ है 4q माइनस 7, तो इसमें एक घात है तो ये भी रैखिक कहलाएगा, और पद दो है तो ये कहलाएगा द्विपदी, बाइनोमियल। अगला दिया हुआ है वाई की पावर 3 है, वाई की पावर 3 माइनस 10y प्लस 3, तो इसमें घात तीन है तो ये त्रिघात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक, और पद भी इसमें तीन है तो ये त्रिपदी, ट्राइनोमियल। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।